पूरा पीछे ही रहो शायद इधर आ यार इस तरह से वो पता तो है लेकिन कुछ तो हुआ ही नहीं हमें आपने अच्छा करवाया था क्वेश्चन पूछ रहा मैंने आपसे एक क्वेश्चन जा रही बाबा आपको आपने यहां लड़की का अंश करवाया था ये आशा से देखकर कि मेरा डिप्टी सीएम बहुत सारी बात की है मोबाइल पे बाकी से बात किया हम आपको फेस वाइज रिकॉग्नाइज करेंगे ठीक है ना आज 1 साल से 2 महीने हो गए आज तक कुछ नहीं हुआ सर बात बात करने अगर कमेटी वाली तो मैंने बुलवाई बाहर वाले अगर उनके साथ बिठाया तो मैंने बिठाया है हालांकि ना तो मेरा डिपार्टमेंट है ना कुछ है उसके बाद मैंने किया यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने इनिशिएट किया स्टार्टिंग में बाद में क्या हो गया सर देखो ऐसा है बाद में क्या हो गया मुझे बताओ ना सर बाकी हर चीज में जब सर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात तब आएगी जब केस हमारा फाइनलाइज हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट जाएगा तब हमारे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगी ना पहले ही फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा कैसे सर मुझे बताओ ना क्योंकि आप आपके घर गया तो आपने तो बात ही नहीं की हमारे साथ मैं इसी बात को हैरान रह गया अच्छा सर पहले इतने इनिशिएट किया आपने इतने इनिशिएट किया अब आप क्या हो गया सर 20 बार मैंने आपसे मिल लिया सर मैं एक बार मेरे पास टाइम नहीं होगा सर मैं यही कह रहा हूं सर मैं यही कह रहा हूं बात आपसे इतना इनिशिएट करने के बाद आपने अनशन तोड़वाया इसका मतलब आपने अनशन जुटा था बता रहा कमेटी बनी वो कमेटी पेपर उसमें पेपर आगे बढ़ी कौन सी कमेटी की मीटिंग हुई सर उसके बाद मुझे बताओ चलो इसके आपके सामने जो मीटिंग करवाई नंबर सर पहले सर एक तो आपका एटीट्यूड है सर एक उस तरह से बात करो ठीक है उस तरीके से बात करो एक तो एटीट्यूड एक तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है उसके बावजूद जहाँ भी हो मैं आपकी हेल्प करता हूँ जहाँ भी होता हूँ आपसे वो करता हूँ अगर आप इस तरह का सर बाकी डिपार्टमेंट की भी तो सर बाकी डिपार्टमेंट के वो भी हो गए सर वो तो हो गए डिपार्टमेंट के उन्होंने कल फिर भी यही किया कि कॉन्ट्रैक्चुअल इज कॉन्ट्रैक्चुअल तो कॉन्ट्रैक्चुअल की इनके पास हमारे पास कोई नहीं ये बैठे हैं सड़क पे ये कुछ है तो ये बैठे हैं वो है ये रीड करें नहीं होना है तो बताएं आप देखो ना 1.5 साल बैठना यहाँ कोई आसान काम थोड़ी है 1.5 साल से हम बैठे हैं पेपर कोई पॉलिटिकली आपको नुकसान होगा कल सर ये बात ठीक नहीं है सर आप 10 दिन में कर लें सर जो भी है पिछली सरकारों की की, की गलतियों को हमें भुगतना पड़ रहा है आज जो 60,000 मुलाजिम लगे हैं वो भी कारण है इन नौजवानों के साथ धोखा किया गया है जो पिछली सरकारें रही उसी का परिणाम ये भुगत रहे हैं एश्योरेंस दिया था कि हम इनको फेस्ड में हमें रेगुलराइज करेंगे इन्होंने हमें ये भी कहा कि मैंने डिप्टी सीएम साहब से बात कर ली है मैंने बाकी लोगों से बात कर ली है हम इनको फेस में रेगुलराइज करेंगे और वो इनका जो आश्वासन था वो झूठा साबित हुआ आप ये कहते हैं कि ये पिछली सरकार की गलती है सर मैं अभी बताता हूँ हमारे पास प्रूफ्स हैं कि इसी सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलराइज किया सर हमारे पास प्रूफ्स हैं इंटरव्यू में हुआ कब से लगे हुए हैं आप सर हम 98 से लगे हुए सर 18.5 साल हमने सर्विस दे दी है आज तक यहाँ पर लोगों ने पलट के भी यहाँ नहीं देखा यहाँ आते हैं इनके साथ हम बात करते हैं लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं है कि अगर मंत्री कोई एजुकेशन मिनिस्टर को गलत स्टेटमेंट देता तो कब से हम इनको उनको पूछना चाहिए कि आपने क्या आपने डॉक्यूमेंट स्टडी किए नहीं किए का पद है मेरा डायरेक्टली इस गवर्नमेंट में कोई लिंक नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैंने कमेटी अपॉइंट करवाई है सर मैं आपको बताऊं ये बोले स्पीकर का पद है और जम्मू का एक नागरिक होने के नाते भी इनके इनका एक दायित्व बनता है कि जम्मू के लोग यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हुए उनकी बातचीत को सुनना इनका फर्ज बनता है ये कहते हैं कि अगर मैं स्पीकर का पद तो क्या जम्मू के लोग जो मर जाएंगे उनकी हालात पर उनके हालात का ज्यादा कितना सैलरी मिलता है 7,000 देते सर हमने 3500 रुपए में काम किया उसको 4500 रुपये में काम किया उसके बाद 7,000 रुपये काम किया अभी कॉन्ट्रैक्ट उनको ही हजारों 28,000 अभी कॉलेज एक्सेस की उन्होंने कर दी है अभी तो उन्होंने बोल दिया कि अभी तो कोई है नहीं कोई गुंजाइश नहीं तो क्या करोगे अब आप सर किस गुंजाइश की बात करें सर मुझे इस बात की हमारे लिए मैं इनको एक बात बताऊँ उन्होंने एक बात कही कि यहाँ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती है मैं इनको पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि हमारे केस में किसी किस्म की फाइनेंशियल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी पोस्ट जो है वो सैंक्शन पोस्ट है बजट ऑलरेडी अवेलेबल है हम सैंक्शन पोस्टों में वेकेंट पोस्टों में लगे हैं हमें वहाँ रेगुलराइज करना है तो क्या लगता है क्या रीजन है क्यों नहीं हो रहा सर रीजन ये अभी स्पीकर साहब ने ये बात कही है कि पिछली सरकार की गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं सर सरकारें तो आती जाती रहती है एक सरकार ने पॉलिसी बनाई दूसरी तो कम्प्लाई करनी पड़ती है जब इस सरकार में इन्होंने आकर अभी 60,000 मुलाजमों को इन्होंने रेगुलराइज किया बैकडोर अपॉइंटमेंट था वो हम तो प्रॉपर प्रोसीजर लगे हुए हैं हम प्रॉपर हमारी सिलेक्शन हुई है एडवर्टाइजमेंट हुई थी हमारे मेरिट बेसिस पे हमारी सिलेक्शन हुई फॉर्म लाइन पेरियम हमें लगाया गया और उसके बाद हमें रेगुलराइज किया दो दो पॉलिसीज हैं हमारे 1.5 साल हो गया जो प्रोटेस्ट करते हुए अपना जो बैठे हैं ना 1.5 साल हो गया जी जी